हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम बनाने लगे हैं फ्राइज़, थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं. आई होप कि आपको अच्छी लगें. सो शुरू करते हैं. मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं. आपने अच्छे बड़े साइज़ के आलू लेने हैं और उनको ना बहुत बारीक काटना है ना बहुत मोटा काटना है. आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरह कटिंग करनी है आपने आलू की. उसके बाद एक बर्तन में आपको ठंडा पानी चाहिए होगा, उसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक और 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी या चीनी का पाउडर. उसको मिक्स करें और आलू उसके अंदर डाल दें. आपने उनको थोड़ा सा मल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. इट्स बेटर अगर आप उसको फ्रीज़र में रख दें 10 से 15 मिनट्स के लिए. फ्रीज़र से निकालने के बाद गिव इट अ वॉश, उसको अच्छे साफ पानी से एक दफ़ा धोएं और फिर हमने उसको ड्राई करना है. इस स्टेप से हमने एक्सेस स्टार्च रिमूव कर दिया आलूओं का. अब हम उसको ड्राई करेंगे. किचन पेपर या किसी भी टॉवल पे आपने रख के अच्छे से उसको ड्राई करना है. जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे तो वी विल डू द फर्स्ट फ्राई. जब आपके फ्राइज पूरी तरह ड्राई हो जाएं तो आपने पैन में ऑयल गरम करना है. ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए. फर्स्ट फ्राई के लिए हम इसको 90 to 100 seconds यानी कि 1.5 से 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे. सिर्फ इतने कि वो हल्के बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए या सिर्फ सॉगी से हो जाए, लेकिन आपने उनको फुल फ्राई नहीं करना. बहुत ज़्यादा फ्राइज आपने ऐड नहीं करने, ओवर क्राउड नहीं करना पैन को. मैंने एक दफ़ा इसको फ्राई कर लिया. आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको सॉफ्ट से ढीले से लगेंगे, लेकिन आपने इसको किसी पेपर टॉवल पे फैला के रखना है और इनको हम फ्रीज़र में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए. उसके बाद निकाल के हम इनको सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे. सेकेंड टाइम फ्राई करने लगी हूँ मैं. अब इसको ऑयल बहुत गर्म है, इस दफ़ा हम इसको प्रॉपर फ्राई करेंगे. आपने इसको मे बी 2 से 3 मिनट लग जाएं, लेकिन इसको अच्छा गोल्डन कलर देना है जो मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज़ का होता है. अब हमने इनको अच्छा सा शेड देना है. वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं. प्रॉपरली इवन कलर होना चाहिए सब फ्राइज़ पे. मेक श्योर कि टेम्परेचर आपके ऑयल का बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो, बिल्कुल दरमियानी टेम्परेचर पर आपने इनको फ्राई करना है. रेडी हो गए हैं, मैं उनको ऑयल से निकाल रही हूँ. आप खुद सुन के बता सकते हैं कि ये कितने क्रंची बने. सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें और इनको गरम गरम सर्व करें. ज़रूर बनाएं और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू, बाय बाय.